आप बताइए सर, सर्विस सेंटर में सुने हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि डिले होता है काम करने में, और बेचने वक्त तो काफ़ी मीठा मीठा बात किया जाता है, लेकिन बेचने के बाद जो लैपी वाला है वो अपना असली रूप दिखाता है और हर जगह पे चार्जेस लेता है 299 399 पार्ट्स का, ये क्या सच्चाई थोड़ा बताइएगा। काफ़ी कंप्लेन आ रहा है, पहले तो आपके कंप्लेन कम आ रहे थे, आजकल लैपी वाला का कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा अनबॉक्स भारत। आप देख सकते होंगे इधर इतना सारा भीड़ लगा हुआ है, जितना भीड़ लेने में लगता है उतना ही भीड़ फिर किसी भी चीज़ को कमी होता है तो फिर यहाँ पे बनवाने में भी लगता है, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं अभी आ रहा था तो मुझे बताया गया कि लैपी वाला जो है वो जैसे बेचते हैं वैसे उनका सर्विस सेंटर नहीं है। अगर आपके लैपटॉप में कुछ इशू आ जाता है तो काफ़ी दौड़ना पड़ता है। अभी एक लेडीज़ आई थी जो 3 घंटे के बाद आई अपना काम करवाने के लिए, उनका काम नहीं हुआ, फिर से वो रिटर्न चली गई। आप ही बाकी मुअज्जम भाई से हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने एक रैंडम एक लड़के से पूछ लिया कि अरे लैपी वाला इसी गली में है ना, तो बोला कि महाराज मत जाइए उसके यहाँ, ऐसा ऐसा बात है, पता नहीं क्या है, लेकिन हम लोग मुअज्जम भाई से बात करेंगे फिर जानेंगे। और बताया जाता है कि जितना सस्ता लैपटॉप होता है, पहले तो सस्ता लैपटॉप आप लोग लीजिए ही मत, आप लोग 5-6 हज़ार 8 हज़ार दे के जो लैपटॉप लेते हैं आपको लगता है कि लैपटॉप खरीद लिए हैं, लेकिन आपका वो लैपटॉप कोई भी प्रोसेस में बढ़िया से काम नहीं कर सकता है। वो पढ़ाई लिखाई हो, ये हो, वो हो, वो बस आप कर सकते हैं। बाकी अभी भी एक भाई आए हुए थे जिनका चार्जिंग का इशू है, बहुत सारा इशू है, आइए हम लोग जानते हैं। भीड़ दिखा दीजिए कितना भीड़ रहता है, और पर डे यहाँ पे भीड़ रहेगा इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ही भीड़ आपको फिर सर्विस सेंटर में भी मिलेगा। कभी बोला जाएगा नीचे जाइए, कभी ऊपर जाइए, वो काफ़ी कंप्लेन आ रहा है, पहले तो आपके कंप्लेन कम आ रहे थे, आजकल लैपी वाला का कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रहा है। फैसिलिटी भी तो ज़्यादा मिला, फैसिलिटी क्या दिया जा रहा है थोड़ा बताइए अलग। अब हमारे पास से अगर लो बजट का मटेरियल अगर खरीदते हैं, ठीक है, तो कौन लोग खरीदेंगे? जो बहुत ज़्यादा इंजीनियर लेवल में, तो वो तो नहीं खरीदते हैं। सही बात है। जो बेसिक अगर कहीं पर क्लासेस कर रहे हैं वो आए, चलो 3500 या 5000 में मिल रहा है, खरीद लेते हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप उनको ये चीज़ तो बताइएगा ना कि तो पूरा बात को। अब जो है सो वो खरीदे, उसके अंदर लैपटॉप एक है हार्डवेयर, अब उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर में मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो वाईफाई का स्विच बंद है आगे 200 किलोमीटर से, स्विच ऑन हो गया, चालू हो गया, अरे सर वहाँ पर तो बोल रहा है प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं मानेंगे हम। मुअज्जम भाई, पहले और अभी में क्या बदला हुआ है आपका लैपी वाले में? कुछ तो बदला हुआ है, तभी कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। देखिए आप एक चीज़ और बताते हैं, पहले 7 डेज की टेस्टिंग वारंटी था, मार्केट में आपको कोई 15 दिन देता है, कोई 10 दिन देता है, कोई 30 दिन देता है, लैपी वाला आपको देता है 52 डेज पार्ट्स रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट फ्री है, ये बजाबते आपको लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कुछ और आपको नहीं मिलने वाला है। सर्विस सेंटर है, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट आपको रिमोट सपोर्ट के थ्रू दिया गया है, तो फैसिलिटी तो दिया हुआ है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोडक्ट यहाँ से लेते भी है, मान के चलिए अगर आपने ये प्रोडक्ट ले भी लिया, ठीक है, 5000 में 4000 में 4500 6000 में जितने में भी ले लिए, ठीक है, 7 डेज आप इसको चेक कीजिए, इनकेस कुछ समस्या है सीधे प्रोडक्ट लाइए, कुछ नहीं पूछा जाता, प्रॉब्लम बताइए, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम छोड़कर। अभी एक लेडीज आई हुई थी, कुछ इशू था उनका छोटा सा, आप 3 घंटा से उनको बैठाए हुए हैं। उनकी बैटरी चेक में है, उन्होंने बोला कि बैटरी हमारा चल नहीं रहा, जबकि बैटरी यहाँ पे चल रहा है, फिर भी उनका है, 3 बंदे हैं, तीनों अलग अलग, कोई 1 घंटा बोल रहे हैं बैटरी चल रहा है, कोई 2 घंटा चल रहा है, तो सिक्योरिटी तो करना पड़ेगा ना, फिर मुझे चार्ज में लगाएंगे, ऐसे फूक मारने से चार्ज तो फुल चार्ज नहीं हो जाएगा, 1.5 घंटा चार्ज में लगेगा, फिर चेक करेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा मुअज्जम भाई, इतना सस्ता लैपटॉप दे कैसे पाते हैं, क्या कहाँ से लाते हैं? यूज लैपटॉप होता है सर, ये कंपनी का यूज लैपटॉप होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी सेक्टर में लैपटॉप जो है, बड़ी बड़ी सेक्टर मतलब बहुत सारे यूज, TCS हो गया, आप इंडिया में IBM ऑक्शन कराता है इंडिया में हाई लेवल पे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो 3500 वाला जो लैपटॉप है, ज्यादातर जिसमें शिकायत आता है उसको डिसकंटिन्यू क्यों नहीं करते? नहीं आता ना शिकायत, शिकायत कहाँ पे आता है? मोटे वाले लैपटॉप पे, जो पहले आता था थिंक पैड में कोर टू डुअल कोर, और तो हम लोग पहले ही कब का बंद कर चुके, जो भी मॉडल अगर आप मान के चलिए ना, अब हम प्राइस की बात करते हैं, अब यही मॉडल है, ठीक है, 5 से 8 घंटा इसकी बैटरी बैकअप है, लिख के ले लीजिए मेरे से, बेचने टाइम तो आप लिखवाते हैं, यही तो कंप्लेन है सर। देखिए ये गूगल की टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, डेल का 3180 गूगल की टेक्नोलॉजी, बैकअप लिथियम लगा हुआ है, आप अगर कोई भी लैपटॉप
लिथियम बैटरी जिसमें भी रहेगा तो बैकअप रहना ही रहना है, सेल वाली बैटरी में कम रहता है बैकअप, तो सेल वाली लैपटॉप तो अब हमारे पास मिलेगा ही नहीं। सारी की सारी मॉडल जो है सो प्रीमियम सेक्टर में आ गया, टोटल मॉडल जिनको लोअर से लेके हायर तक। और दूसरी चीज, जिसका जिसका हायर सेगमेंट में अगर मॉडल है, ठीक है, तो जैसे अब ये मॉडल मान लीजिए बजाते, इसमें टेस्टिंग रिपोर्ट रहता है हमारा, इतने बजे चला, इतने बजे बंद हुआ। जो ऐसा इल्जाम लगाते हैं वो लोग मतलब कि देखिए उनको कि मतलब फर्जी इल्जाम है सर, टेक्निकल चीज है तो प्रॉब्लम आ सकता। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है सो 100% दम नहीं आएगा, ना कि सवाल नहीं होता, प्रॉब्लम आता है सॉफ्टवेयर का तो उसको प्रॉब्लम में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, हार्डवेयर का भी आ सकता है, हार्डवेयर का इशू ज्यादा हो रहा है। हार्डवेयर के इशू में क्या होता है, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, लैपटॉप ऑन है तब तक वो ओके है, प्रॉब्लम नहीं मानते हम लोग। हाँ, हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड शॉर्टिंग हो रहा है तो वो एक अलग प्रॉब्लम। लैपटॉप लेने आए हैं जी? ले लिए? नहीं नहीं, अभी ले रहे। कौन सा लैपटॉप ले रहे हैं? अभी तो HP का ही है। कितने प्राइस बताया गया आपको? पहली बार ले आए लैपी वाला, पहले ले गए हैं? नहीं नहीं, पहली बार। कोई यहाँ पे है जो लैपी वाला पहले लैपटॉप ले जा चुके हैं? नहीं नहीं, अभी तो अभी फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम, चलिए कोई बात नहीं। खैर, यहाँ पे सब लोग नए नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नए हैं जब अभी लेके जाएंगे, जब वो फिर आएंगे तब बात की बात होगी। चलिए, बाकी हम लोग सर्विस वाला इनका सेक्टर में नीचे चलते हैं, वहाँ पे कुछ कस्टमर्स मिलेंगे, उन कस्टमर से हम लोग रिव्यू लेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक सेक्शन अलग बना रखा है कि यहाँ सिर्फ खरीदें, ये खरीदने वाले और सर्विस वाले टकराए नहीं एक जगह, ये तो माहौल बिगड़ जाएगा। सो अभी हम लोग सर्विस सेंटर में है लैपी वाला के, वहाँ तो सिर्फ लोग नए लोग खरीदने वाले थे तो वहाँ पे बढ़िया से रिव्यू नहीं हो पाया। अभी यहाँ पे हम लोग सर्विस वाले सेक्शन में है और यहाँ पे पब्लिक से ही पूछ लेते हैं, और किन्हीं से पूछने का कोई जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम हुआ था लैपटॉप में? प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस बैटरी चेंज हुआ जिसकी वजह से बैटरी बैकअप चेंज हुआ। लैपटॉप हम आज से 10 दिन पहले ले गए हैं। 7 दिन के अंदर उनके लिए बोला जाता है कि अगर? हाँ, तो 7 दिन के अंदर में हम आए थे, 8वें दिन आए थे। तो फिर तो उस दिन आए थे तो बस दिक्कत ये है, सिम स्लॉट बस वो थोड़ा सा दिक्कत है तो उसके लिए थोड़ा टाइम यहाँ पे लग रहा है। और भाई साहब, आप लोग क्या करने के लिए आए हैं? सर्विस में आए हैं। सर्विस दिन पहले लैपटॉप लिए थे? 19 को लिए हैं। 19 को लिए थे आप? 19 को हम भी लिए, एक सप्ताह पहले। आप भी लैपटॉप लिए हैं भाई साहब? मास्क वाले भाई साहब, आप लैपटॉप लिए थे? हाँ। कब? 9 महीना हो गया। 2 महीना? 9 महीना। 9 महीना प्रॉब्लम आया है? हाँ, स्टार्ट नहीं हो रहा। ये 3 लोग हैं जो कि अभी 19 को और 10 दिन पहले लिए थे, इनका मतलब कि प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। 19 का मतलब समझ सकते हैं, अभी 19 कितना दिन हुआ होगा। आप बताइए सर, सर्विस सेंटर में सुने हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि डिले होता है काम करने में, और बेचने वक्त तो काफ़ी मीठा मीठा बात किया जाता है, लेकिन बेचने के बाद जो लैपी वाला है वो अपना असली रूप दिखाता है और हर जगह पे चार्जेस लेता है, 299-399 पार्ट्स का, ये क्या था, क्या सच्चाई थोड़ा बताइएगा। देखिए, लैपटॉप जो है टेक्निकल चीज पर, ये टेक्निकल चीज तो ऊपर नीचे सब जगह चल रहा है, सब लोग जान रहा है कि लैपटॉप टेक्निकल चीज है, ऐसा थोड़ी है कि हम भी पृथ्वी पे ही हैं। सुन लीजिए ना सर, उसके बाद फिर बोलिए ना, कोई सुने, लैपटॉप टेक्निकल चीज है, अगर एक सॉफ्टवेयर भी अगर ऑफिस इंस्टॉल नहीं हो तो उनके लिए भी लोग आते हैं। नहीं नहीं, हम उन चीजों को ले रहे हैं सेंटर में जिसमें इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, वो इशू उनका अपना है जी। बैटरी का जो है सो 1 घंटा का स्टैंड बाई में हम लोग का वारंटी रहता है, बिल पे भी मेंशन किया हुआ रहता है। अब इसमें किन्हीं का जो है सो 4 घंटा चाहिए, 5 घंटा चाहिए, तो रिफर्बिश्ड है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही बैटरी बैकअप। अब ये भाई साहब कल लैपटॉप लिए थे, अब इनको समझ में नहीं आ रहा, छोटा खरीदा गया। हाँ, आइए, आप आइए, आप आइए, आइए ना जी, कोई दिक्कत नहीं, डरने। ये आप लैपटॉप कब लिए थे? हम लिए थे कल। तो क्या अभी दिक्कत, आज ही क्या दिक्कत हो गया? वो छोटा लैपटॉप लगा, छोटा लगा। हाँ, हम लोग ने क्या किया इनको, कितना इंच का दिए थे इनको? ये अपना पसंद से लिए थे। कितना इंच का? ये 12 इंच में लैपटॉप लिए थे। अच्छा, तो अभी ये 14 इंच वाला हम इनको बोले, सजेस्ट किए, पूछिए अभी सामने में कि अभी ये बड़ा वाला ले लीजिए, आपको जो थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ेगा वो आप ले सकते हैं। इसमें आप क्या अच्छा कर रहे हैं, आप तो कॉस्ट लीजिएगा अपना, 12 ही ले गए अभी आपको, तो कोई भी कर देगा। चलिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप नया लैपटॉप लेंगे तो वो चेंज करके आपको नहीं देगा सर। नहीं, नहीं, वो क्यों नहीं देगा? आप बोल रहे हैं ना, तब ना आप दे रहे हैं। नया में अगर नहीं, नहीं नया नहीं, नया रिफर्बिश भी बोले तो आप नहीं, नया अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, नया लेने जाएगा तो वहाँ पे पहले मन बना के जाएगा ना, यहाँ आपके पास वो फैसिलिटी है तब तो ये आए, वही तो मैं बोला, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बेस्टी करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि भाई अभी 12 इंच का ले गए थे, अभी हमको एप्पल आई मैक दे दीजिए, तब बोलिए कि हाँ 48 जरा और लाओ दे देते हैं। ऑप्शन है तभी तो देंगे सर, वो ऑप्शन रहता है। हाँ, तो ऑप्शन है तभी तो दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? हम इससे पहले लैपटॉप लिए हुए थे, उसमें मेरा ठीक ठाक रहा, 1 महीना तक यहीं से लेपी वाला, 1 महीना तक ठीक ठाक रहा। उसके बाद क्या हुआ था, ऑफ करने टाइम में ऑन होता था, लैपटॉप रखा गया था, तो 10 रोज के बाद फिर आज खोल रहे, अभी खुल नहीं रहा है। अभी फिर आप आ गए?